अगले दिन सब डाइनिंग टेबल पर थे। मीरा ने नाश्ता सर्व किया और आकर बैठ गई। उसे बार बार कल रात की बात याद आ रही थी। तभी प्रताप जी ने नील से पूछा, नील तुम्हें दिल्ली जाना है? नील प्रताप जी से बोला, यस नानू, मिस्टर मल्होत्रा का कुछ लीगल वर्क है। संजीव जी बोले, दिल्ली में फार्म हाउस है ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। नील धीमे से बोला, शारदा जी ने एकदम से नील से पूछा, कितने दिन लगेंगे? नील ने कहा, 5-6 दिन। सिमी जी नील की ओर देखकर बोली, अच्छा, पर तू अपना ध्यान रखना। नील बोला, मॉम रिलैक्स। शारदा जी नील को देखते हुए बोली, रिलैक्स? ऐसे कैसे रिलैक्स? नील तेरी आदत पता है मुझे, बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा अपना, ना खाना समय पर खाएगा ना वक्त पर सोएगा, बस काम काम। संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, माँ जी हम नील के साथ मीरा को भी भेज देते हैं। नील और मीरा खाते खाते रुक गए। मीरा एकदम से बोली, मेरी क्या जरूरत? शारदा जी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दामाद जी ठीक कह रहे हैं, मीरू तू रहेगी तो मुझे चिंता नहीं होगी, तू ख्याल रख लेगी इसका। मीरा हिचकिचा कर बोली, पर मैं नानी माँ। मीरा बोलते बोलते रुक गई। नील मन में बोला, इसे इतनी क्या प्रॉब्लम है? शारदा जी ने उम्मीद भरी निगाह से मीरा को देखते हुए पूछा, बेटा जाएगी ना? मीरा उन्हें ना नहीं कह पाई, वो हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी नानी माँ। नील मन में बोला, थैंक यू डैड, आई नो सब आपने किया है। वो न्यू डील के लिए पूछ रही थी, भूल गए थे और लेनी जरूरी थी। युवी तुरंत बोला, ओ हाँ दवाई दे दी ना तूने? विशु बोली, वही देने आई थी पर फिर सोचा। विशु की बात काटते हुए युवी बीच में ही बोला, जंगली बिल्ली जाग गई तेरे अंदर की। विशु युवी की कॉलर पकड़ते हुए बोली, सोच लो अगर जाग गई तो। युवी हंसने लगा और हंसते हुए ही बोला, विशु। विशु मुंह बनाते हुए बोली, बहुत बुरे हो तुम, मैं तुमसे मिलने आई और मुझे। तभी युवी ने विशु को हक कर लिया और उसके बालों पर किस करता हुआ बोला, अरे मेरी जंगली बिल्ली, इतनी सी बात पर मुंह मत फुला। विशु ने मुस्कुराते हुए युवी को पकड़ लिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो विशु बोली, ओके बाय मैं चलती हूँ। इतना बोलकर विशु पलट गई और विशु मन में बोली, युवी वेरी बैड, मैं जा रही हूँ फिर भी। विशु ने बुझे मन से दो कदम ही बढ़ाए थे कि युवी ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। युवी विशु को अपनी तरफ करके उसका माथा चूमते हुए बोला, बाय। विशु मुस्कुरा उठी। इधर मीरा कमरे में अपने कुछ कपड़े सूटकेस में रख रही थी कि तभी नील कमरे में आया। मीरा के चेहरे पर कुछ अजीब ही भाव थे। नील धीमे से बोला, अगर तुम्हें नहीं जाना तो। मीरा बीच में ही बोली, नानी माँ के कहने पर जा रही हूँ, उन्हें हाँ कर चुकी हूँ, मना नहीं कर सकती। नील मन में बोला, सच में इसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे, मेरे होने ना होने से। मीरा मन में बोली, जानवी भी तो जा सकती है और वैसे भी इसे मेरी क्या जरूरत। इधर संजीव जी और प्रताप जी ऑफिस आ गए थे। प्रताप जी ने संजीव जी से पूछा, बेटा ये करके कुछ होगा? संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, पता नहीं बाबूजी, पर कुछ समय मिल जाएगा दोनों को, और आपसे वादा किया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी नील को समझाऊंगा, और वो मैंने किया। प्रताप जी थोड़ा दुखी होकर बोले, हाँ हमारे कारण एक पिता के फर्ज बहुत कम निभा पाए। वो थोड़ा दुखी हो गए तो संजीव जी उन्हें समझते हुए बोले, बाऊजी पुरानी बातें मत याद कीजिए, और वैसे भी आपसे बहुत कुछ मिला है मुझे। प्रताप जी कुछ सोचकर बोले, संजीव बेटा नील हमेशा से बहुत शांत था, जानवी उसे तब से जानती है जब से वो यहाँ से गया, और मुझे हमेशा ही लगता था वो उससे प्यार करती है, नील के मन में क्या है पता नहीं पर। तभी संजीव जी बोले, बाऊजी नील की आंखों में मीरा के लिए प्यार है,
जानवी के लिए नहीं। इधर जानवी अपने कमरे में थी, वो पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। जानवी खुद में ही बोली, नील मीरा एक साथ जा रहे हैं, वो भी सिर्फ वो दोनों। फिर जानवी थोड़ा रिलैक्स होकर बोली, नो जानवी, यू नो ना नील कैसा है, वो तेरे अलावा किसी लड़की को बिना परमिशन छूता तक नहीं, और जो मैंने किया है उसके बाद मीरा नील को परमिशन देगी नहीं, तो बस तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, पर सोच कुछ ताकि कुछ अलग हो जाए। इधर नील किसी को कॉल कर रहा था। नील फोन पर बोला, यस आई एम रेडी, आप अपने बॉस से कह दीजिए कि मैं उनके इस काम के लिए तैयार हूं। नील ने इतना बोलकर कॉल कट कर दी। मीरा ने नील से पूछा, तुमने कॉल किया है तो आज ही जाना है, ऐसे कैसे? नील धीमे से बोला, वो किसी और की कॉल थी। मीरा बोली, ओके। नील मीरा को देख रहा था, वो उठा और मीरा की तरफ बढ़ा। मीरा नील को आते देख उठ गई और कबर्ड से कपड़े निकालने लगी। मीरा घबराते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। नील मीरा के पास आया और उसकी तरफ चेहरा बढ़ाने लगा। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। नील मीरा के कान के पास आकर धीरे से बोला, इतना मत डरो, हाँ नहीं जाऊंगा तुम्हें। मीरा मुंह बनाकर बोली, डरती नहीं मैं किसी से। नील बोला, ओके। मीरा जाने लगी कि नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। फिर नील मीरा की ओर देखकर शांत लहजे में बोला, अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। मीरा ने नील को देखा और वो अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। नील खुद से ही बोला, ओह गॉड, हुआ क्या है इसे? नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मीरा का बिहेवियर ऐसा क्यों है, वो इस बात को ही सोच रहा था। इधर घर पर शांति जी, विभा जी, सिम्मी जी और नानी जी के साथ ही थी। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ही है दोनों चले गए। शांति जी बोली, अच्छा ही है, जिस परिस्थिति में शादी हुई। शांति जी बोल रही थी कि सिम्मी जी बोल पड़ी, शांति जी छोड़िए ना, और वैसे ये सब इनका किया धरा है, वरना नील को तो 2 दिन बाद जाना था। सब मुस्कुराने लगे, पर जानवी ये सुनकर वापस अपने कमरे में आ गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जानवी खुद से बोली, कौन सी परिस्थिति में हुई शादी, नील ने मुझसे झूठ कहा, पर क्यों, क्या हुआ था? रात के 9 बजे मीरा और नील फार्म हाउस पहुंचे। मीरा ने बेल बजाई तो रवि काका ने दरवाजा खोला। मीरा मुस्कुराकर बोली, कैसे है काका आप? रवि काका फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों लोगन अंदर आओ। मीरा नील अंदर आई, नील पूरा घर देख रहा था। रवि काका नील को देख कर बोले, अरे बिटवा, जब तुम यहाँ पहले आए रहे तब तुम 4 साल के रहे। नील शांत भाव से बोला, याद है काका। तभी मीरा ने नील को देखा, उसकी आंखों में कुछ खालीपन था। रवि काका बोले, तुम लोगन मुंह हाथ धोए लो और खाना खाई लेना, हम बनाए दिए हैं। तो मीरा ने झट से पूछा, क्यों आप कहीं जा रहे हैं? रवि काका थोड़ा उदास स्वर में बोले, बिटिया हूँ, हमारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो यही खातिर तनिक दिन के लिए जा रहे हैं। मीरा धीमे से बोली, ओ। रवि काका बाहर आ गए, वो दरवाजे से होते हुए बाहर पहुंचे और उन्होंने किसी को फोन मिलाया। रवि काका मुस्कुरा कर बोले, जी मालिक, काम हुई गवा, हम जा रहे हैं। इतना कहकर रवि काका ने फोन रख दिया। इधर संजीव जी ने भी अपना फोन टेबल पर रख दिया। फिर संजीव जी कुछ सोचते हुए खुद में ही बोले, यही तरीका था, दोनों साथ है, वहां कोई नहीं है, और अभी उन्हें इस अकेलेपन की जरूरत है, वरना गलत फहमियां बढ़ते बढ़ते दरार बन जाती है। इधर मीरा ने पूरे घर को एक नजर देखा और फिर नील को देखा। मीरा मन में बोली, हाय रप्पा, अब मैनू इन्ने वड्डे घर में इसके साथ अकेले रहना पड़ेगा, पापा जी तुसी कर की रहे हो, हाय रब्बा, ये काका भी गए। इतना बोलकर मीरा एक कमरे की तरफ जाने लगी, पर फिर नील की तरफ पलटी और नील से बोली, तुम हाथ मुंह धोकर चेंज कर लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नील कुछ नहीं बोला और चला गया।
कुछ देर बाद मीरा उस कमरे में गई जहां नील था। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। मीरा प्लेट रखते हुए बोली, ये खाना। मीरा ने खाना टेबल पर रख दिया और फिर नील को देखने लगी। उसे नील में कुछ चेंज लग रहा था। मीरा जाने लगी तो नील एकदम धीमी सी आवाज में बोला, इतनी प्रॉब्लम है क्या? खाना तक नहीं खा सकती मेरे साथ? मीरा के कदम रुक गए। वो नील की तरफ पलटी। नील उसे देख रहा था। मीरा शांत लहजे में बोली, मुझे भूख नहीं है। नील मीरा के पास आया और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर काउच के पास ले आया। नील बोला, बैठो। मीरा बोली, नहीं मुझे। नील बीच में ही प्यार से बोला, प्लीज सिट। मीरा नील को देख रही थी। वो बैठ गई तो नील उससे दूरी बनाकर बैठ गया। फिर नील ने बिना कुछ कहे मीरा की तरफ निवाला बढ़ा दिया। नील थोड़ा नॉर्मल टोन में बोला, चुपचाप खा लो। मीरा हैरानी से नील को देख रही थी। मीरा बोली, मैं खुद खा लूंगी। और मीरा ने उसी प्लेट में से दूसरा निवाला लेकर खा लिया। कुछ देर बाद दोनों खाना खा चुके थे। मीरा ने प्लेट उठा ली और खड़ी हो गई। मीरा बिना नील की ओर देखे ही बोली, सो जाओ, मैं जा रही हूं। नील एकदम से बोला, कहां? मीरा ने कहा, प्लेट रखने, उसके बाद में विशु के रूम में सो जाऊंगी मैं। वैसे भी यहां कोई नहीं है तो हमें एक कमरे में रहने की जरूरत क्या है? नील को मीरा का व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आज की रात दोनों ही ढंग से नहीं सो पाए। अगली सुबह मीरा उठी और रेडी होकर किचन में आ गई। उसने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना था जो कि काफी छोटा था। मीरा अपने लिए चाय और नील के लिए कॉफी बनाने लगी। तभी नील नीचे आया। वो एक टक मीरा को देखने लगा पर फिर उसने नजरें हटा ली। मीरा नील को कप पकड़ाते हुए बोली, तुम्हारी कॉफी रेडी है, ये लो। नील मीरा से कॉफी लेते हुए बोला, थैंक्स। नील कॉफी लेकर हॉल में आ गया। वो कॉफी पीते हुए कुछ सोचने लगा। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी मीरा आ गई। मीरा ने पूछा, ब्रेकफास्ट में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? नील मीरा को देखने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, इतने महीनों में इतना भी नहीं जान पाई। मीरा भी नील को देख रही थी। नील एक टक मीरा को देखते हुए दोबारा बोला, 8 महीने से साथ रह रही हो, इतना भी नहीं जान पाई। मीरा एकदम से बोल पड़ी, हाँ तो तुम कौन सा मुझे समझते हो? तभी नील ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मीरा उसकी गोदी में आकर बैठ गई। मीरा नील को देखने लगी। नील मीरा को देखते हुए बोला, तुम्हें समझने की मैंने तो पूरी कोशिश की, पर तुम चाहते ही नहीं कि मैं तुम्हें समझूं। मीरा चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो छोड़ो मुझे। मीरा खड़ी हो गई तो नील बोला, मेरे लिए। मीरा नील की बात पूरी होने से पहले ही बोली, मैं बना लूंगी। इतना कहकर मीरा किचन में आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा ने अपने सीने में दिल वाली जगह पर हाथ रख दिया और घबराते हुए खुद में ही बोली, हाय रब्बा, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है, ऐसे तो ना किसी दिन पक्का मरूंगी मैं। पता नहीं क्या है इसमें, एक तो इसे देखते ही मैं सब भूल जाती हूँ। पता नहीं आंखें हैं ये समंदर। पापा जी, मैं पागल हो जाऊंगी। और ऊपर से ये पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। वैसे तो जानवी करता है, और अभी मीरू पक्का ये कुछ। मीरा बोलते बोलते रुकी, फिर मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, इतना बुरा तो नहीं है। मीरा खुद से ही बोल रही थी, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नील मन में बोला, इसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है मुझसे, और मैं इतने क्लोज क्यों जा रहा हूँ? बाबा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा जी प्लीज हेल्प करो। तो क्या होगा उन गलत फहमियों का? संजीव जी का प्लान काम करेगा क्या? सुलझेगी नील मीरा की गलत फहमियां, या और बढ़ेगी उलझनी? जानने के लिए बने रहिए अनवांटेड मैरिज ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
मीरा ब्रेकफास्ट लेकर आई और उसने प्लेट को नील के पास टेबल पर रख दिया। मीरा ने नील से कहा, ब्रेकफास्ट कर लो, मैं रूम में जा रही हूँ, वहीं कर लूंगी। मीरा इतना कहकर चली गई। नील ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चुपचाप खाने लगा। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। इधर मीरा कमरे में नाश्ता कर रही थी और खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। मीरा खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मीरू अगर तू इसके साथ ज्यादा समय रही ना तो तुझे पक्का हार्ट अटैक आना है, सोच कुछ। इतना कहकर मीरा खाने लगी कि तभी एकदम से उसे कुछ सूझा। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, वाओ क्या बात है मीरू, क्या बेस्ट आइडिया है। इतना कहकर वो खाने लगी, फिर उठकर प्लेट लेकर किचन में आ गई। नील किचन में प्लेट धुल रहा था। मीरा नील के पास आते हुए बोली, अरे तुम क्यों कर रहे हो, मुझे बोल देते। नील बिना किसी भाव के बोला, अपने काम कर सकता हूँ, वैसे भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नील ने इतना कहकर प्लेट रख दी और बाहर आ गया। मीरा प्लेट धुलने लगी और फिर बाहर आ गई। नील किसी से बात कर रहा था। नील फोन पर बात करते हुए बोला, हाँ मिस्टर मल्होत्रा, मैं आज ही आ जाऊंगा ताकि काम जल्दी हो जाए, डोंट वरी। नील ने इतना कहकर कॉल काट दिया। तभी मीरा ने पूछा, तुम कहीं जा रहे हो। नील बिना किसी भाव के बोला, बस कुछ पेपर्स देखने हैं, उसके बाद जा रहा हूं। मीरा बोली, ओह। नील इतना कहकर कमरे की तरफ जाने लगा कि उसका फोन दोबारा बजा। नील कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ जानू बोल। अरे हाँ, दो दिन बाद ही आना था पर डैड ने, बाय द वे आज ही जा रहा हूँ मिलने मिस्टर मल्होत्रा से, तो काम होते ही आ जाऊंगा। मीरा मन में खुद से बोली, जानू बड़ा आया, जब उसकी इतनी याद आ रही है तो उसके साथ ही आना था ना, और फिर मेरे क्लोज। नील कॉल कट होने पर मीरा से बोला, तुम कहीं जा रही हो। मीरा चिढ़ते हुए बोली, यस एनी प्रॉब्लम, मंदिर जाना है मुझे। नील ने कहा, नो। तभी मीरा बाहर जाने लगी। वो एकदम से अपने आप को देखते हुए मन में बोली, मीरू क्या ऐसे जाएगी मंदिर, नो। इतना कहकर वो वापस आ गई। वो नील के सामने से जा रही थी कि एकदम से उसका पैर टेबल में टकराया। नील ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसके हाथ मीरा की पेट और कमर पर पहुंच गए। नील के हाथों के स्पर्श से मीरा की आंखें बंद हो। नील उसे देखने लगा और मीरा की आंखें अभी भी बंद थी। नील मन में बोला, इससे क्या हुआ। फिर नील ने मीरा को सीधा किया, जिससे उसके हाथों का स्पर्श मीरा को महसूस हो रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी और आंखें अभी भी बंद थी। नील ने मीरा से पूछा, आर यू फाइन। मीरा आंखें खोलकर बोली, हाँ हाँ। मीरा जाने लगी, तभी नील ने मीरा को देखते हुए कहा, मंदिर जाने के लिए रेडी हो जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। मीरा चिढ़ते हुए बोली, नहीं जाना मुझे, तुम जाओ। नील बोला, ओके। नील बाहर जाने लगा कि तभी मीरा एकदम से बोली, सुनो गाड़ी की चाबी वहां रखी है टेबल पर। ये सुनकर नील बोला, थैंक्स। नील इतना बोलकर चला गया और मीरा सोफे पर बैठ गई। मीरा खुद में ही बोली, तुम बहुत अजीब हो, पता नहीं क्या है तुम में कि तुम्हारे छूने से। इतना बोलकर मीरा चुप हो गई। इधर नील कार ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद वो एक जगह रुका। नील गाड़ी पार्क करके बाहर आया। सामने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का बड़ा ऑफिस था। कुछ देर बाद नील एक कमरे के सामने था। उसने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। आवाज सुनकर नील अंदर आया तो सामने कोई था जिसका चेहरा साफ नहीं था। नील हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो आई एम नील खन्ना। राज हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो आई एम रना। ये सुनकर संजना अंदर आ गई और राज से बोली, राज वो। पर तभी नील को देखकर चुप हो गई। राज ने दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। राज नील को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, ये नील, और नील ये मेरी वाइफ संजना। संजना मुस्कुरा कर बोली, संजना राज मल्होत्रा। नील ये सुन मुस्कुरा उठा। उसे अपना मीरा के नाम के साथ अपना नाम जोड़ना याद आ गया। राज ने संजना से पूछा, तुम यहां कुछ काम था।
संजना फाइल्स आगे बढ़ाते हुए बोली, वो बस तुम्हारी फाइल रह गई थी, वही देने आई थी। इतना कहकर संजना ने फाइल टेबल पर रख दी। राज बोला, थैंक यू। तभी संजना राज को देखकर मुस्कुरा दी, जो देखकर राज ने भी स्माइल कर दिया। राज ने संजना को कुछ इशारे किए। राज ने नील से पूछा, नील कॉफी लोगे या चाय? नील बोला, नो नो अब मुझे जाना चाहिए। राज नील को रोकते हुए बोला, अरे बैठो ना, एक कप कॉफी तो साथ में पी सकते हो। ये सुनकर नील बैठ गया। तभी संजना ने कहा, मैं भिजवाती हूँ। संजना जाने लगी तो राज ने संजना को रोकते हुए बोला, जान तुम भी रुको यही। संजना आकर चेयर पर बैठ गई। नील ने दोनों को देखकर स्माइल किया और दोनों से बोला, यू बोथ आर परफेक्ट कपल। राज मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स। संजना नील से बोली, वैसे आपकी वाइफ के बारे में अंकल से सुना तो है, बट होप एक बार मिल लेते वो। संजना बोल रही थी कि नील बीच में ही बोल पड़ा, डैड से बहुत कुछ सुना है या फिर डैड ने आप दोनों को कुछ और ही कहा है? ये सुनकर राज और संजना चुप हो गए। राज कुछ देर बाद बोला, नील देखो जब कुछ बातें परेशान करे तो उन बातों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी संजना ने कहा, बिल्कुल, और गलत फहमी या उलझने किस रिश्ते में नहीं होती। हम आज आपको परफेक्ट कपल लग रहे हैं, पर हमारे बीच भी बहुत गलत फहमियां थी। सब ठीक हुआ ना? नील झट से बोला, यू बोथ लव ईच अदर, आपकी शादी की बात अलग है। राज अब मुस्कुराया और बोला, हाँ अलग तो है। मैंने बिना संजना को बताए इससे शादी की, जबकि इसकी नजरों में इसकी शादी किसी और से हुई थी। नील हैरान था। तभी कॉफी लेकर एक आदमी अंदर आया और रख कर वापस चला गया। संजना नील को देखकर बोली, वैसे एक बात और, जब किसी का हाथ थामा ही है तो साथ निभाइए, दुनिया के सामने ही नहीं उसके अकेलेपन में भी, चाहे वो कुछ बताए ना बताए। और हाँ सॉरी अगर कुछ ज्यादा बोला तो। नील एकदम से बोला, नहीं नहीं आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? संजना मुस्कुराई और राज को देखते हुए बोली, राज मैं चलती हूँ, अब बच्चों को स्कूल से लाना है। राज बोला, ओके। संजना चली गई। राज मुस्कुरा कर बोला, संजना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, जान है मेरी। नील भी स्माइल करते हुए बोला, वो तो लग ही रहा है, तुम दोनों बिल्कुल मॉम डैड की तरह हो, आई मीन तुम्हारा प्यार। राज नील को समझाते हुए बोला, नील मैं तुम्हारी लाइफ के पर्सनल मैटर पर बोल रहा हूँ, सॉरी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी इस शादी से तुम्हारी फैमिली को फर्क पड़ता है और तुम दोनों को ऐसे नहीं देख सकते। रिश्ते सुधारने की कोशिश की जाए तो वो सुधर सकते हैं। नील धीमे से बोला, राज बोला, सॉरी अगेन। नील राज को देखते हुए बोला, नो नो प्लीज डोंट से सॉरी, थैंक यू। इधर मीरा सड़क पर चल रही थी कि एक बच्ची रोड पर भागते हुए दिखी, जो गाड़ी के सामने आने ही वाली थी। मीरा ने भागकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। गाड़ी गुजर गई और मीरा बच्ची को लेकर एक साइड में आ गई। मीरा ने घबराकर बच्ची से पूछा, बेटा तुम ठीक हो? बच्ची बोली, यस थैंक यू दीदी। मीरा ने बच्ची से कहा, ऑल राइट बच्चा आपकी मम्मा कहाँ है? तभी वहां उसी की उम्र का एक लड़का आया। लड़का गुस्से से बोला, क्या करती है, भागने की जरूरत क्या थी, बोल कुछ हो जाता तो। वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, हुआ तो नहीं। लड़का फिर से गुस्से में बोला, तू पागल है। मीरा उन दोनों का झगड़ा देखकर मुस्कुराने लगी। मीरा ने दोनों को शांत करवाया और उस लड़के से कहा, शांत हो जाओ बच्चों, बेटा आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। लड़की ने मासूमियत से पूछा, आपको कैसे पता मैं इसकी बहन हूँ? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अरे अरे इतना प्यार और झगड़ा भाई बहन के बीच ही होता है। लड़का चिढ़ते हुए बोला, इससे कौन प्यार करेगा, मैं इससे प्यार नहीं करता, पर हाँ थैंक यू दीदी। मीरा उस लड़के से बोली, मोस्ट वेलकम बेटा आपकी मम। मीरा बोल ही रही थी कि तभी कोई वहां आया। मीरा ने सामने देखा
तो तभी बच्ची उसे पकड़ते हुए चिल्लाई, मम्मा। मीरा ने कहा, आपकी बच्ची ठीक है। संजना मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू इसे बचाने के लिए, मैं संजना। मीरा बोली, मैं मीरा। तभी वो बच्ची मीरा से बोली, और मैं सारा और ये मेरा भाई सारांश। मीरा मुस्कुरा कर बोली, हो चलो आपने अपना नाम बताया। फिर मीरा संजना से बोली, आपके दोनों बच्चे बड़े क्यूट हैं। संजना ने शिकायती अंदाज में कहा, अरे पर दोनों बस झगड़ते रहते हैं। सारांश मुंह बनाकर बोला, मम्मा मैं नहीं झगड़ता। सारा चिढ़कर बोली, हाँ तो मैं झगड़ती हूँ, रुक मैं डैडू को कॉल करती हूँ। संजना दोनों बच्चों को समझाते हुए बोली, बस लड़ो मत, और डैडू की प्रिंसेस डैडू को बोल दिया था आते होंगे। संजना की बात पर मीरा मुस्कुराई। संजना मीरा से बोली, थैंक्स, ये लड़की इतनी नौटंकी है, राज नहीं आया तो भाग रही थी। तभी एक कार रुकी और मीरा उस ओर देखने लगी। गाड़ी में से राज निकला और सारा ने भागकर उसके पैरों को पकड़कर उसे हग कर लिया। सारा राज से बोली, डैडू आप आ गए। फिर सारा ने गाड़ी देखकर पूछा, ये आपकी कार नहीं है? राज ने नीचे होकर सारा को हग किया। राज घबराते हुए बोला, बच्चा ऐसे नहीं करते, अगर आपको चोट लग जाती तो। तभी नील गाड़ी से निकला। सारा मुंह बनाकर बोली, तो आप आए नहीं ना, और मुझे इन दीदी ने बचा लिया। राज और नील ने सामने देखा तो मीरा खड़ी थी। नील और मीरा एक साथ बोले, तुम? संजना और राज समझ गए ये कौन है। राज मीरा से बोला, थैंक यू सो मच। मीरा मुस्कुराती और सारा वापस मीरा के पास आ गई। सारा ने नील की तरफ इशारा करते हुए मीरा से पूछा, दीदी ये कौन है? मीरा एकदम से बोली, माय हस्बैंड। पर फिर वो चुप हो गई। संजना उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी सारांश बोला, डैड हम चले। राज बोला, यस बेटा बस थोड़ा रुको। सारा मीरा के कान में बोली, ये बहुत हैंडसम है। मीरा हंसते हुए बोली, इट्स हैंडसम। सारा बोली, वो ही। संजना मीरा से बोली, आज ही सोचा था काश आपसे मिल लेते, फाइनली मिली गए। मीरा हैरानी से उसे देख रही थी तो संजना दोबारा बोली, अरे हम तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं, संजीव अंकल ने बताया था। ये सुनकर मीरा ने कहा, ओह। तभी सारा नील के पास आई और उसने नील का हाथ पकड़ लिया। सारा नील को नीचे होने का इशारा करते हुए बोली, आप नीचे हो। नील नीचे झुका तो सारा ने उसके गाल पर किस कर लिया। सारा मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल मेरे डैडू की तरह। ये सुनकर नील मुस्कुरा दिया। नील सारा का गाल खींचते हुए बोला, और आप बहुत क्यूट हो। राज ने कहा, सारा सारांश बच्चा आप दोनों चलो, जहां कार लगी है हम आते हैं। सारांश बोला, ओके डैड बाय। ओके डैड बाय। इतना कहकर सारांश जाने लगा कि सारा चिल्लाई, अरे बुद्धू रुक जा, मुझे भी जाना है। सारा ने नील को हग किया और दोबारा उसके गाल पर किस कर लिया, और फिर मीरा के पास आकर उसको हग किया और उसके गाल पर भी किस कर लिया। सारा मीरा से बोली, थैंक यू दीदू, आप बहुत अच्छी हो, बाय। मीरा मुस्कुरा कर बोली, बाय। सारा और सारांश कार के पास जाने लगे। तभी राज मुस्कुरा कर बोला, सुनील मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। नील ने भी मुस्कुराते हुए कहा, संजना राज से बोली, राज वो सारा को कि राज बोल पड़ा, जान तुम प्लीज उसे छोड़ो, वो बच्ची है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ और वैसे भी उसे अपने डैडू से कुछ ज्यादा ही प्यार है। संजना राज को घूर कर बोली, तभी तो इतना बिगड़ रही है। राज बोला, हो रियली? राज की बात पर संजना चिढ़ते हुए बोली, यस। संजना जाने लगी तो मीरा राज से बोली, लगता है आपकी वाइफ नाराज हो गई। तभी राज ने संजना का हाथ पकड़ लिया। फिर राज मीरा से बोला, मैं राज, राज मल्होत्रा। मीरा खुश होकर बोली, हो तुसी भी पंजाबी हो।
राज बोला। तभी संजना चिढ़ते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा। राज ने संजना को समझाते हुए कहा, जानू यू नो वेरी वेल मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तो चुप रहो। मीरा मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। वो उन दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों सच्ची में बहुत बहुत बेस्ट कपल हो। बाबा जी आपको हमेशा साथ रखे, हमेशा खुश रखे। ये सुनकर संजना बोली, थैंक यू। संजना मीरा को बोलने के बाद राज को घूरते हुए बोली, और आप मिस्टर मल्होत्रा हाथ छोड़ो मेरा। राज मुस्कुराते हुए बोला, मिसेस मल्होत्रा शट अप। फिर राज नील से बोला, नील मैं तुम्हें पेन ड्राइव भिजवा दूंगा और पेपर्स भी भिजवा दूंगा। नील बोला, ओके। तभी मीरा शांत लहजे में मुस्कुराते हुए बोली, लगता है संजना जी को आपका आपकी बेटी से। कि राज बीच में ही बोला, अरे मेरी जान तो सिर्फ यही है, बाकी दोनों बच्चों की बात। तो दोनों मेरी जान की जान है, तो उनसे तो इससे भी ज्यादा प्यार करना बनता है ना। संजना चिढ़ते हुए बोली, शट अप राज। राज मीरा और नील से बोला, ओके बाय, फिर मिलते हैं। तभी संजना फिर से बोली, मेरा हाथ। संजना आगे बोलती तब तक राज ने संजना को गोद में उठा लिया। संजना उसे देखने लगी। राज उसे देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मीरा और नील दोनों के चेहरे पर उन दोनों को देखकर मुस्कुराहट आ गई। राज ने संजना को गाड़ी में बैठाया। दोनों बच्चे पीछे बैठे थे। राज भी आकर बैठ गया। सारा मुंह बनाते हुए बोले, ओ मम्मा आप डैडू से नाराज हो। राज सारा से बोला, अरे बच्चा बस दो मिनट फिर मम्मा का गुस्सा खत्म हो जाएगा। संजना चिढ़ कर बोली, मैं। तभी राज संजना का हाथ पकड़ कर बोला, बस संजना। हाँ। ये सुनकर संजना मुस्कुराने लगी। इधर नील ने मीरा से पूछा, चले। मीरा सिर हिलाते हुए बोली, नील और मीरा आकर गाड़ी में बैठ गए। नील के दिमाग में राज संजना की बातें चल रही थी और वो गाड़ी चला रहा था। तभी मीरा ने कुछ सोचते हुए नील से पूछा, तुम्हारा काम कब खत्म होगा, अभी तो मिल भी लिए। नील सोचते हुए बोला, अभी कुछ दिन लगेंगे। मीरा चुप हो गई। नील ने उसे देखा और फिर सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद दोनों घर आ गए। नील ने गाड़ी रोकी तो मीरा सीट बेल्ट खोलने लगी और नील भी सीट बेल्ट खोल रहा था। तभी अचानक से दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छू गई। एक एहसास महसूस होने पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर फिर मीरा को न जाने क्या हुआ और वो बाहर आ गई। नील अपने आप में ही बोला, क्या हुआ इसे। शाम का वक्त था, मौसम काफी सुहाना था, तेज हवाएं चल रही थी। नील इस वक्त टेरेस पर खड़ा था। उसे अपने और मीरा के एक एक पल याद आ रहे थे कि तभी मीरा भी छत पर आई। नील को इस तरह देख मीरा उसके पास आई, पर नील अभी भी अपनी ही सोच में खोया हुआ था। मीरा ने नील को खोया हुआ देख कर पूछा, कॉफी लाऊं तुम्हारे लिए। नील ने मीरा को देखा, तभी मीरा दोबारा बोली, कॉफी लाऊं। नील धीमे से बोला, चाय मिलेगी। ये सुनकर मीरा हैरान थी। नील चाय नहीं पीता था, ये बात वो जानती थी। इससे पहले भी एक बार मीरा ने उसे जबरदस्ती चाय दी थी। नील दोबारा बोला, चाय मिलेगी। मीरा ख्यालों से बाहर आई और शांत लहजे में बोली, पर तुम तो चाय नहीं पीते। नील मीरा को देखते हुए बोला, पर मैंने ही कहा ना। मीरा ने कहा, ओके मैं लाती हूं। इतना कहकर मीरा जाने लगी कि पीछे से नील बोला, दो कप चाय लाना वाइफी। मीरा बिना कुछ कहे वहां से चली गई।